साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ एक बार फिर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरबी गोरखपुर की तरफ से एक पैनल रिलीज किया गया और इस पैनल में आप देख सकते हैं कि ये पैनल है आपको CEN 01 2018 यानी ALP टेक्नीशियन 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स के प्रोविजनल पैनल के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस कैटेगरी में और कितने लोगों का पैनल रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं फॉलोइंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट प्रेफरेंस एंड कम्युनिटी आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर एडिशनल पैनल। द कैंडिडेट्स बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट एज डिटेल्ड बिलो। तो कैटेगरी नंबर 134 में NER यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे में यहाँ पे कुल मिलाकर के 13 लोगों को इम्पैनल किया गया है। हालांकि गोरखपुर बोर्ड की ओर से कहा गया था कि नवंबर के लास्ट तक ही सारे पैनल रिलीज कर दिए जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश या जो भी वजह हो वो गोरखपुर के लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मुझे जो सूचना थी कि नवंबर के लास्ट तक सारी पैनल देने की प्रक्रिया का प्रॉमिस किया गया था बोर्ड की तरफ से, लेकिन लंबे अरसे बाद 13 लोगों का यहाँ पे केवल वर्कशॉप कैटेगरी में टेक्नीशियन 3 मैकेनिकल 134 नंबर कैटेगरी में पैनल यहाँ पे दिया गया है। और इससे एक उम्मीद फिर हम ये कर सकते हैं, और ये पैनल कल के डेट में ही फाइनलाइज हुआ है जो कि आज रिलीज हुआ है। तो इस आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला जो भी पैनल हो गोरखपुर की तरफ से वो जल्द से जल्द आए और यहाँ पे सारे लोगों का जल्द से जल्द क्लियर हो। और बहुत सारे लोग, चूँकि मैं लंबे समय से वीडियो एलपी टेक्नीशियन वेटिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं डाल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग लंबे अरसे से कमेंट कर रहे हैं। मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। कुछ खास अपडेट है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू नहीं हो रहा हूँ किसी वीडियो को लेकर के। कोई बेहतर, कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज हो तो आपके समक्ष आने में भी मुझे खुशी होती है। हालांकि ये एक पैनल आया है तो इसको लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। फिर कुछ अगर अपडेट होगा या नहीं भी हुआ तो फिर जल्द ही आपसे बातचीत के लिए एक वीडियो मैं लेकर के जल्द आप सभी के बीच आऊँगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।